तो मैं रोहित आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में राज्य व्यवस्था के विषय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कार्यपालिका। राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें राज्य की कार्यपालिका एक प्रमुख है और उसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य और उसकी मंत्रिपरिषद और राज्य विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका स्थायी और अस्थायी। अस्थायी को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलेंगे। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के प्रमुख अंग शासन, सचिवालय, संभागीय आयुक्त और उसके कार्यालय, जिलाधीश, जिलाधीश अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय और जिला उपखंड प्रशासन। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके प्रमुख अंग होंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानसभा। लेकिन आज के इस वीडियो का प्रमुख विषय है राज्यपाल, तो इस वीडियो में केवल हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं राज्यपाल क्या है और राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के संविधान में भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल के बारे में व्याख्या की गई है, जिसमें अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद की व्याख्या की गई है और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ऐसा इसकी संविधान में व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाना निश्चित है। अनुच्छेद 156, इसमें हम राज्यपाल की कार्य अवधि 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल की जो कार्य की अवधि है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहती है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को अपने पद पर रहने के लिए बाध्य कर सकता है और चाहे जब उसको हटा सकता है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पदों की शर्तें, 169 में शपथ, 160 में राज्यपाल के विशेष उपबंध और 161 में क्षमादान की शक्ति और एक अनुच्छेद 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 163 राज्यपाल की शक्तियां, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति, अनुच्छेद 166 राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी, अनुच्छेद 166 में इसकी व्यवस्था की गई है। और आखिरी में देखते हैं अनुच्छेद 167 राज्य के प्रशासन के कार्य व प्रशासन संबंधी समस्त जानकारी राज्यपाल को देना। और जिसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो कि अपने राजस्थान के विशेष संदर्भ में आते हैं। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ राज्यपाल की क्या होती है उसके बारे में पूछा जाता है, आज उसके बारे में देखेंगे। राज्य की विधायिका का प्रमुख होने के नाते विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने, सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान, सत्र समाप्त करने का घोषणा, सत्रावसान करने या किसी भी समय विधानसभा को भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को दी गई है। विधायी शक्ति में राज्यपाल विधानसभा के दोनों सदस्यों का एक साथ या अलग अलग संबोधन करता है, अनुच्छेद 175 में इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 176 में व्यवस्था है कि विधानसभा सत्र का संबोधन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 अ, इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। और विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति अनुच्छेद 200, ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। आगे है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, इसमें प्रमुख है राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य के वित्त आयोग का गठन सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राज्य के वित्त आयोग का गठन किसके माध्यम से किया जाता है, कौन करता है? तो इसका प्रमुख आंसर होगा, वन एंड ओनली आंसर इज राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। और राज्य के बजट के अनुदान की अनुशंसा राज्यपाल द्वारा की जाती है। बजट को विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का काम है। वित्तीय बजट राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत होगा। और जो आकस्मिक नीति है, इमरजेंसी फंड से अनिश्चित धन व्यय का आहरण राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। राज्य की न्यायिक शक्तियां,
इसमें देखेंगे दंड के समाधान या निलंबित या स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 161 में इसका उल्लेख किया गया है कि दंड का समाधान या निलंबित स्थगित कर सकता है। और दंड की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है राज्यपाल की, हम जानते हैं राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी मृत्यु दंड को क्षमादान में उस मृत्यु दंड को उसकी सजा कम कर सकता है या उसको क्षमादान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को कभी परिवर्तित नहीं कर सकता। यह केवल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है लेकिन उसको क्षमा नहीं कर सकता। और आगे देखते हैं राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति अनुच्छेद 233 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय है। आगे देखेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां में महत्वपूर्ण बिंदु ये पहला है, आपातकाल के समय संघ का प्रतिनिधि के रूप में वास्तविक शासक होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 अर्थात कार्यपालिका का वो प्रधान होता है, जैसा कि हम जानते हैं पहले पढ़ चुके हैं कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और अपनी कार्यपालिका शक्तियों के तहत ही वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के अंतर्गत करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कॉमन है, आ चुके हैं, बहुत बार आ चुका है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में जरूर आएंगे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब ऑप्शन में आएंगे, जनरल क्वेश्चन है, तो आपका एक ही उत्तर होगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत करता है। और आगे देखेंगे, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में स्वविवेक से सरकार बनाने के लिए उचित निर्णय ले सकता है, ये इसकी कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं। आगे और है इसकी महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां, राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों उनके सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल करता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये तो जरूर याद रखें, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग व अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल करता है। राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति करता है। जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं स्टेट में उनका वह हेड होता है, कुलाधिपति जिसको बोलेंगे, और अन्य जो कुलाधिपति कुलपति होते हैं यानी कि प्रधान के नीचे कुलपति, कुलाधिपति के नीचे की छोटी सी पोस्ट है उसके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल दिलाता है तथा उनके द्वारा दिए गए त्याग पत्र भी राज्यपाल स्वीकार करता है। और ये भी ध्यान रखेंगे राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके त्याग पत्र मंत्रियों के या विधायकों के त्याग पत्र स्वीकार करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 या फिर अनुच्छेद 243 के ऑप्शन में, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे तो 243 के आएगा और हिंदी में देखेंगे 243 ट। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि 243 ट या 243 के, इसके अंतर्गत राज्य का लोकायुक्त या राज्य वित्त आयोग 243 ज या 243 आई की नियुक्ति करता है राज्य के। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, राज्य का निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोकायुक्त तथा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए आगे देखते हैं, विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, वो सदस्य कौन हो सकते हैं? किसी साहित्य से, विज्ञान से, कला से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। राज्य के राजस्थान के जो देखेंगे हम राज्यपाल, राज्य का प्रथम राज्यपाल गुरु मुख निहाल सिंह जी थे, 1/11/1956 से 15/4/1962 से सर्वाधिक समय तक रहे थे। तो ये कार्यकाल इनका ध्यान रखें 1956 से लेकर 1962 तक राज्य के प्रथम राज्यपाल थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी। और जो वर्तमान में राज्यपाल हैं अपने कल्याण सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 2014 से चालू है अभी तक है। और जो प्रतिभा पाटिल थी प्रथम महिला राज्यपाल अपने राजस्थान की रही, उनका कार्यकाल था 2004 से 2007,
ये जो अभी देख रहे हैं स्लाइड, इसमें हम इसको तो याद रखें, इसको कभी भूले नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ सकता है राज्यपाल के संबंधित, स्टैटिक जीके है। आगे देखेंगे, अब तक कुल 3 महिलाएं राज्यपाल बनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आ सकता है कि कितनी महिलाएं अब तक राज्यपाल बनी हैं, ये देखें कौन कौन थी। वो प्रभा राव 2009 से 2010, इसके बाद मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014, जो कल्याण सिंह जी के पहले जो अपनी राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट अल्वा। और अन्य भूमिका राज्यपाल राज्यपाल की जो शेष हैं वो देखते हैं। सचिवालय का प्रमुख भी राज्यपाल का सचिव होता है। और राष्ट्रपति शासन के समय वह वास्तविक प्रशासक की भूमिका में होता है। जब भी आपातकाल लागू होता है तो स्टेट में राज्यपाल प्रमुख भूमिका में होता है, और जो मुख्यमंत्री, जो भी जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, उनकी भूमिकाएं गौण हो जाती है और राज्यपाल प्रमुख प्रशासक की भूमिका निभाता था। तो ये थे अपने राज्यपाल। अगर कोई गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप मुझे बताएं क्या मिस्टेक रही और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और थैंक यू, और आपको सबको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।